अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रेजी क्ले पॉट रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बैगन और इलिश माछ का बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनाऊंगी बहुत ही डिफरेंट तरीके से। इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बैगन के पीछे के हिस्से को काट के फेंक देंगे। उसके बाद बैगन को बीच से कट लगा कर उसका ऐसा लंबा सा कट लगाएंगे। उसके बाद फिर हम इसको बीच से एक कट लगा देंगे। इसी पोर्शन में हमें बैगन को काट लेना है। मैंने एक्स्ट्रा इलिश माछ नहीं खरीदा है। मैंने जब इलिश माछ की रेसिपी तैयार किया था उसी में से 3 पीस बचा हुआ था, उसी से मैं इस बैगन की रेसिपी को तैयार करूंगी। मैंने सेम तरीके से सारे बैगन को काट लिए हैं। उसके बाद हम मिक्सचर जार में एक पेस्ट तैयार करेंगे मसालों का, जिसमें मैंने प्याज ऐड किया और उसके बाद 3 हरी मिर्च, उसके बाद अदरक लहसुन, साथ ही मैं इसमें ड्राई अदरक ऐड कर दूंगी। उसके बाद फिर हम इसमें जो पिसा हुआ मस्टर्ड है उसे भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, जिसे मैंने पहले से पिसा हुआ था लेकिन फिर भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। उसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लूंगी। ये पेस्ट बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। उसके बाद हम 3 पीस इलिश माछ में मसाले ऐड करेंगे, जैसे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक ऐड करके इसे बहुत अच्छी तरीके से मसालों के साथ इलिश माछ को मिला लेंगे और 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। उसके बाद फिर हम बैगन में भी मसाले ऐड करेंगे, जैसे 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच नमक। हल्दी को बहुत अच्छी तरीके से बैगन के साथ मिला देंगे। बहुत अच्छी तरीके से हमें मैरिनेट करके इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। क्ले पॉट को गरम कर उसमें 2 चम्मच के करीब तेल ऐड कर देंगे। तेल को बहुत अच्छी तरीके से गरम करना है क्योंकि हमें इसमें 3 पीस के करीब फिश को अच्छी तरीके से फ्राई करना है, जो नीचे से ना पकड़ ले। हमें फिर उसमें फिश ऐड करने के बाद उसे दूसरे तरफ भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। फिश को अच्छी तरीके से फ्राई करने के बाद हम इसे निकाल लेंगे अलग से प्लेट में। सारे फिश निकाल लेने के बाद हम इसमें फिर 1 चम्मच के करीब तेल ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर हम इसमें सारे बैगन एक एक करके ऐड कर देंगे। बैगन को भी हमें बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करना है। जितने अच्छे से बैगन को फ्राई करेंगे रेसिपी उतना ही डिलीशियस और टेस्टी बनेगा। क्या आपको पता है बैगन एक ऐसी सब्जी है जिसे आप मटन के साथ, चिकन के साथ, या फिश एग, या फिर चिंगड़ी माछ वगैरह किसी के साथ भी आप तैयार करिए, बहुत ही डिलीशियस बनता है। अब हमारा बैगन फ्राई हो चुका है, अब उसे निकाल लेंगे अलग से प्लेट में। चलिए अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम और क्ले पॉट में तेल ऐड नहीं करेंगे, उसमें 5 फोड़ों ऐड करके उसे चटकने तक बहुत अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद जो हमने मसाले वाला पेस्ट तैयार किया उसे हम इसमें सारे ऐड कर देंगे और उसे बहुत अच्छी तरीके से तेल के साथ मिला लेंगे अच्छी तरीके से। बैगन की सब्जी रियली बहुत ही डिफरेंट होने वाला है और मैंने इसका मसाला भी बहुत ही डिफरेंट तरीके से तैयार किया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, जैसे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। उसके बाद हम 1 और 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। उसके बाद मसालों को बहुत अच्छी तरीके से पेस्ट के साथ मिला देंगे। इस मसालों को बहुत अच्छी तरीके से भूनना है जिससे इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आए। इसे कम से कम मसाले को 10 से 15 मिनट बहुत अच्छी तरीके से भूनते रहना है। मसाले इस रेसिपी को बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बना देगा। मसाले बहुत अच्छी तरीके से भून चुके हैं, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हम इसमें 1.5 ग्लास के करीब पानी ऐड कर देंगे। पानी को फिर मसालों के साथ बहुत अच्छी तरीके से मिला लेंगे। उसके बाद फिर हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए बॉयल आने तक के लिए ढक कर रखेंगे। 5 से 10 मिनट कंप्लीट हो चुका है, बॉयल आ चुका है। फिर हम इसमें सारे फ्राई किए हुए बैगन को ऐड कर देंगे। बैगन को ऐड करने के बाद इसको हल्का हिला देंगे। उसके बाद फिर हम इसमें 3 पीस मछली जो है उसे भी ऐड कर देंगे, जिससे बैगन की सब्जी में इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से आए। मैंने सारे मछलियाँ एक एक करके ऐड कर दिए। उसके बाद फिर हम इसको थोड़ा और हल्का हिला कर 10 मिनट के लिए ढक कर रखेंगे। 10 मिनट कंप्लीट हो चुका है, ढक्कन खोल कर देखेंगे जो बैगन का सब्जी बहुत ही अच्छे से तैयार हो रहा है, लेकिन अभी भी हमें इसे धीमी आँच में और 10 मिनट के लिए ढक कर रखना है। 10 मिनट कंप्लीट हो चुका है, ढक्कन खोल कर देखेंगे, बैगन की सब्जी बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार हो चुका है। ये रियली बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। अगर आप इसके सारे पानी को ड्राई कर देंगे तो ये रेसिपी और भी डिलीशियस बन जाएगी।
लेकिन मैंने बैंगन की सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा ही तरी रखा है, जिससे ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में। जब आप दोपहर के वक्त इसके तरी के साथ चावल खाएंगे तो वो खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। कम इंग्रेडिएंट के साथ मैंने इस रेसिपी को आधे घंटे में कंप्लीट किया है। ये रेसिपी रियली बहुत ही डिलीशियस बना है। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और फीडबैक देना मत भूलना। थैंक यू सो मच।